जैसी कोई नहीं है, जैसी जैसी कोई नहीं है अभी तक। जैसे ने कलर बदल दिया। ये एक्चुअली उस दिन हम मेरा सवाल आपसे है, हमने आपको मूवीज में देखा पहले, फिर रियलिटी शोज में देखा, अब पहली बार आपको फिक्शन में देखने जा रहे हैं, तो क्या टीवी से आपने दोस्ती कर ली है और टीवी पर हम आपको ज्यादा देखने वाले हैं? मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स या टीवी एक्टर्स या कोई भी हो, सब साथ में ही काम करते हैं, मिले कोई कभी अलग नहीं रहा है। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, मिस्टर सलमान खान, सब लोग टीवी पे ही काम करते हैं। एक्टिंग एक्टिंग ही होती है, टीवी पे करो या फिल्म पे करो, एंड इट गोज ऑल, इट्स हैंड इन हैंड। एज आई सेड, टीवी आज इतना बड़ा मीडियम है, मैंने रियलिटी शोज किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, मेरे लिए एक्टिंग, I feel that I should do it in TV, I should do it in reality shows, I should do it in films. And I'm lucky that मैंने अपना Big Boss भी कलर्स के साथ ही किया था और मेरा पहला fiction भी इनके साथ है, and who's better than Ekta ji, so of course I couldn't say no at all, and the role is amazing. It's a very challenging, a beautiful role. लेकिन negative role है तो मोहब्बत तो नहीं मिलने वाली आपको audience की? मैं तो नहीं ये मानती हूँ। मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी वांटेड, उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था एंड आई वाज अप्रिशिएटेड। तो एक एक्टर के लिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ रोल जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बैड में भी गुड होता है। हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर राज। रोशनी हियर फ्रॉम बेस्ट मीडिया इन्फो दिस साइड। Nagin was a high rated show. I mean, you know, wasn't it a risk to pull it off and put something else? I mean, I don't say that, you know, this might work as well, but then pulling off a show that is the top show for last 6-7 months. You know, as leaders, we have to behave like leaders. And I think that's one problem that has been a problem with the Indian media industry. Hum ek show jab chalta hai, हम प्लान करते हैं कि एक साल चलता है, पता चले कि 7 साल तक चलता है, क्योंकि हम व्हेन द शो इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वी डोंट वांट टू रिमूव द शो। उसको जितना हो सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, वी कीप स्क्वीजिंग द शो, जब तक उसकी टीआरपी नीचे आके फिर फ्रेंचाइज भी ख़त्म हो जाता है। तो कलर्स इज इन अ पोजिशन टूडे वेयर वी आर लीडर्स एंड वी वॉन्ट टू बिहेव लाइक लीडर्स। हम सोचते हैं कि अगर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट ना करें तो कौन करेगा, and high risk is high gain. Aur humne kaha hai, Colors has been known as a channel that gives you cutting edge content, gives you differentiated content, and we have always taken risks and will continue to take risks. Aur humko nahi lagta ki ye risk hai, kyunki ye jo show humne dekha hai, isko samjha hai, hame umeed hai ki ye Nagin se bhi zyada rating karega. यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, आपको खबरें आ रही थी कि आपको चोट लगने के बाद आप शो नहीं कंटिन्यू करोगे या शूटिंग लाइक पोस्टपोन होगी, बट ये फाइनाइट सीरीज है तो कैसे मैनेज करोगे? एंड इजी भी नहीं है, सारे स्टंट्स रहते हैं एंड हार्नेस वगैरह का ही ऑलमोस्ट काम है, तो आप एंड मोना किस तरह, मोना तो कह लेंगे, आप अब कैसे करोगे? शायद खबरें भी आई थी कि शो छोड़ रहे हो आप, तो ये कितनी सही है? पहली बात तो आई एम सो हैप्पी कि आप इतने कंसर्न्ड हैं आप सब, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, सरदार नहीं हूँ तो बहुत स्ट्रांग हूँ। ऑलरेडी सेकेंड डे मैं शूट पे वापस चले गई थी। थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम है जब तक मैं बेहतर नहीं रहूँगी, लेकिन एकता जी एंड बालाजी इज़ बिन अमेजिंग, मुझे बहुत रेस्ट देते हैं और एकदम क्वीन की तरह रखते हैं सेट पर। तो पहले के 2 हफ्ते में साफ जाहिर है थोड़ी सी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई थिंक आई विल बी बैक ऑन माय फीट वेरी वेरी क्विकली एंड एंटरटेन यू गाइस सॉलिड। हाय विवेक, विवेक पर्सनली कितना बिलीव करते हो सुपरनैचुरल पावर्स, ये भूत प्रेत, कभी सामना हुआ है? नहीं, ना ही हो तो अच्छा है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ सुपरनैचुरल पावर्स में। इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग नाउ, अभी उसको पता नहीं उसको व्हाट इज हिट हिम। I know, because I've never experienced it, I don't say, I cannot say out for sure that it does not exist, maybe it exists, it's never happened to me is what I claim, kyunki stories aapko sunne ko milti hain idhar udhar se kahin na kahin se, hamare studios, Bombay mein aise kuch studios hain, aise kuch locations hain jahan par aapko raat ko shoot karne ko allowed nahi hai, so there must be something spooky, something eerie happening there, we don't know, but it's never happened to me and I hope it doesn't.
Are we done? Sir, my question is for Raj, sir. Sonam. So last year you launched 3 shows with Balaji Telefilms, and this is the 4th show in the row. So what is next in the list with the Balaji Telefilms? Will we see more shows on same concept or coming up? Unfortunately, we have only one channel on which we run shows. Otherwise, we would have had 20 shows of Balaji on air by now. I think we'll go with the last one. Come on, Jassi. Gayi. जैसी कोई नहीं है अभी तक. जैसे ने कलर बदल दिया. ये एक्चुअली उस दिन हम लिफ्ट में जा रहे थे और इनसे किसी ने कहा था आप जैसी जैसी कोई नहीं है ना. ये नहीं जैसी है. मेरा सवाल है कि आप मतलब इतना हार्ड रोल कर रही हैं. एक्चुअली लोग 3 घंटे की फिल्म में ही इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है. और 3 घंटे की मूवी में परेशान हो जाते हैं. लाइक भूत फिल्म के लिए उर्मिला जी ने जब किया था तो उन्होंने कहा था कि इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा छुट्टी पे. अच्छा, हाँ. तो आप तो कंटिन्यू करने वाली हैं, तो कैसे मैनेज करेंगी? एक्चुअली पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो, जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी. हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रेपरेशन करें. बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज देयर एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू. जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता. बट व्हेन आई गेट होम तो माय माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी. मुझे नींद नहीं आती है. आई एक्चुअली फील कि यू नो पर्दे के पीछे कोई है. ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर समवन अंडर द बेड. तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद. तो आई थिंक I'll have to plan a break. कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, because it is a little taxing. थोड़ा डर लगता है. So thank you. आज भी प्ले कर रहा हूँ. हम राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बिजनेस फैमिली से, और बहुत ही रहीस फैमिली है, खानदानी फैमिली है. और मेरी कुछ 4 फियांसे थे, मतलब फियांसे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, और जिनकी मौत हो गई क्योंकि वो मेरे बहुत करीब आई. सो ऐसा होता रहा है. लेकिन परिधि हैपन्स टू बी परिधि, हु इज प्लेड बाय मोना सिंह. शी हैपन्स टू बी द फर्स्ट वन हु सरपास्ड दिस थ्रेट ऑफ बीइंग किल्ड, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है. सो क्या होता है, हम दोनों के बीच में कौन आता है? मंजुलिका जो महक है, जो मुझे पाना चाहती है, एक ईवल फोर्स है, सुपर नेचुरल पावर है, वो हम दोनों के बीच में कैसे आती है और वो मुझ पर कैसे वशीकरण करती है, मुझे कैसे स्पेल बाउंड करती है, एंड देन इवेंचुअली परिधि मेरा कैसे कवच बनती है इस काली शक्ति से. दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. I could not have thought of a better platform to get launched. Not just Mehak, of course, Mehak and Mona, they are seasoned actors. Mona Singh has been on TV for over a decade now, and we all know that she's such a refined and polished actor. Needless to talk about her talent. I would just say that my equation with both of them is very strong, very good, and thankfully it's like that. And I'd like to thank Ekta Kapoor for giving me this opportunity, who feels that I can stand opposite Mona Singh and pull off this responsibility. What was your audition like for this role? My audition was just like any regular look test. It was more of a look test, not an audition, where there were a few boys who were being look tested against Mona and Mehak separately. So we were given scenes, and eventually Ekta decided on whose chemistry works out to be the best with Mona. Which was one of the funniest experiences you had on the set? Because everyone asked you about the scary ones. The funniest one. I'd have to really think hard for the funniest, because you know what, this show has really got us. I think, you know, just the little pranks that we do on set with each other. So one of our co-directors happens to be Haryanvi. So I keep learning Haryanvi from her, even though I'm from Haryana myself. Lekin Haryanvi mein mera thoda sa haath tang hai. So hum log wo jo Haryanvi jokes hain wo crack karte rehte hain. That it just keeps it very light, and we really enjoy that. After this, which VFX-oriented serial would you like to work in, if it was your dream project, special effects? Oh, I don't know.
I'm a very spontaneous guy. I don't really plan things out. Because every time I've planned in life, be it as small as planning a vacation or be it planning my relationship or career or whatever, everything's gone for a toss. So I'd rather not plan. I just live for the day and I don't think about tomorrow. Also news is that you're getting married. The news, yeah. Everyone knows that. I'm getting married to Divyanka Tripathi. And it's next month, and I wish I could just invite all of you, but it's not physically possible. But every single day we're getting messages left, right, and center congratulating us, and I'm really indebted. I feel very humbled by it, all the sweetness and all the showering of love and adulation that keeps coming our way. उनका रिएक्शन बहुत बहुत अच्छा था एंड थैंकफुली सो. अगर उनका रिएक्शन अच्छा ना होता तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता बिकॉज आई रियली लुक अप टू हर पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. शी इज मास्टर्ड इट ऑल आई फील एंड आई जस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट अ लाइफ पार्टनर. आई हैव गॉट अ वाइफ हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन द लाइन ऑफ वर्क दैट आई एम. सो उनको बहुत अच्छा लगा तो मुझे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ थिंग्स आर गोइंग स्मूथ. मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी द थ्रिलर ऑफ द ईयर. दीज काइंड ऑफ शोज डोंट गेट मेड एवरी डे एंड इट्स द बेस्ट टीम पॉसिबल दैट यू कुड फाइंड. It'll keep you hooked to your seats. It'll be very spine chilling and it'll just give you the goosebumps the way we feel it. And just watch the show and you'd know what I'm talking about. And just spread the word. Please watch our show, and it comes Saturday, Sunday, 8 p.m. only on Colors.